धर्म की शिक्षा देने के लिए खोली गई मदरसों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा किस आधार पर दी जा रही है, जबकि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट के प्रावधान मदरसा या वैदिक पाठशाला पर लागू नहीं होते। एक्ट के तहत उन्हें शिक्षण संस्थान की तरह संचालित नहीं किया जा सकता। फिर शिक्षा विभाग किस आधार पर मदरसों को स्कूल की मान्यता दे रहा है, इस पर भ्रम बढ़ता जा रहा है। इस बीच मदरसों से लगातार विवाद सामने आने पर राज्य बाल आयोग ने शिक्षा विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। बता दें कि आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों की देखरेख में कमी, उनकी शिक्षा की उपेक्षा और मासूमों से दुराचार के लगातार मामले सामने आते हैं। ऐसे में मदरसों की लगातार वास्तुस्थिति का अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। इस सिलसिले में शिक्षा महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा गया है कि RTE एक्ट के तहत अलग अलग प्रकार के प्रकरण और उनके निस्तारण में उपयुक्त कार्यवाही के लिए अधिकारी स्तर पर 15 दिन में एक बैठक की जाए। साथ ही आयोग के सामने 5 सितंबर तक मदरसों की शैक्षणिक वास्तुस्थिति स्पष्ट करें। डॉक्टर खन्ना ने पत्र में लिखा कि RTI एक्ट की धारा 1 की उपधारा 5 में मदरसा और वैदिक पाठशाला शिक्षण संस्थान की तरह संचालित नहीं हो सकते। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में NCERT के पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, इससे भ्रम की स्थिति है। बता दें कि आयोग ने एक और पत्र लिखा कि कुछ मदरसों में सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है, उन मदरसों में दूसरे राज्यों के बच्चे भी स्थायी तौर पर रहते हैं। सवाल ये है कि स्थायी तौर पर रहने वाले बच्चों के शिक्षा के अधिकार की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर वे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।